नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल खाने की गुल्लक में। आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए स्पेशली साबूदाने के लड्डू। इसके लिए हमको चाहिए साबूदाना, बूरा, देसी घी, सूखी मेवाएं, काली मिर्च पाउडर और इलायची। चलिए अब हम अपने साबूदाने के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैं साबूदाने का प्रयोग कर रही हूँ वो सूखा हुआ साबूदाना है। इसको मैं मिक्सी में हल्का सा पीस लूँगी और चलने के थ्रू इसको छान लूँगी ताकि जो पाउडर है वो अलग रह जाए और जो मोटा साबूदाना है वो अलग हो जाए। अब मैं इसी मोटे साबूदाने को दोबारा कर पीस लूँगी। मैं इसमें अब 4 से 5 इलायची ऐड कर दूँगी और जब ये पीस जाएगा तब मैं इसे दोबारा कर चलने के थ्रू छान लूँगी। अब हम सबसे पहले गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देंगे। जब हमारी कढ़ाई अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगी तब हम इसमें 1/2 चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग इसमें देसी घी डाल सकते हैं। जब हमारा देसी घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें साबूदाने का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और हाँ, हमें साबूदाने के पाउडर को मीडियम और लो फ्लेम पर ही भूनना है और हल्का सा रेड होने तक भूनना है, जब तक वो हल्का सा लाल ना हो जाए। देखिए जो मेरे साबूदाने का पाउडर है वो धीरे धीरे लाल हो गया है, तो मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इसे प्लेट में खला लूँगी। अब मैं इस कढ़ाई में दोबारा कर देसी घी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं देसी घी इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि मैं अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हल्का सा भून सकूँ, थोड़ा सा रोस्ट कर सकूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स में चिरौंजी ऐड कर रही हूँ, बादाम ऐड कर रही हूँ, काजू ऐड कर रही हूँ, गोला ऐड कर रही हूँ, किशमिश ऐड कर रही हूँ, अखरोट ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें मखाने भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मखानों को काटा नहीं है, साबुत मखाने यूज़ किए हैं। हमें ड्राई फ्रूट्स को भी मीडियम और लो फ्लेम पर ही पकाना है, भूनना है। जब हमारे ड्राई फ्रूट्स भून जाएंगे तब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। देखिए धीरे धीरे जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भूनने लगे हैं, तो मैंने इसलिए गैस इसने प्लेट में खला लिया है। जो मेरे साबूदाने का पाउडर था जो कि मैंने ठंडे होने के लिए छोड़ दिया था उसको मैं दोबारा कर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। मैं यहाँ पर इसलिए इसे पीस रही हूँ ताकि जो देसी घी है इसमें अच्छे तरीके से मिल जाए और जो अभी थोड़ा सा मोटा पाउडर है वो और पतला हो जाए। और इसे हमें 2 बार पीसना है 2-2 मिनट की गैपिंग पे। देखिए जो मेरा साबूदाने का पाउडर है वो अच्छे तरीके से पिस चुका है, तो इसे मैं प्लेट में खला लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक मेरे साबूदाने का पाउडर ठंडा हो रहा है तब तक मैं जो मेरे मखाने थे उनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी ताकि उनका पाउडर बन जाए, क्योंकि हम साबुत मखाने तो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लड्डू बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच चीनी या फिर चीनी का पाउडर जिसको हम बूरा बोलते हैं उसको ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने फ्राई किए थे उनको ऐड कर दूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लूँगी हाथ से, क्योंकि चम्मच से इतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएंगे। और मैं इसे अपने हाथ पर इसलिए थोड़ा सा घिस रही हूँ ताकि जो इसमें दाने पड़े हों वो सारे मर जाएं, मतलब जो बूरा के दाने होते हैं वो भी, और जिस इसमें देसी घी है वो अच्छे तरीके से मिल जाए। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसके लड्डू तभी बनाने हैं जब ये ठंडा हो जाए। अगर हम इसके गरम लड्डू बनाएंगे तो नहीं बन पाएंगे। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। इसमें मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, गरम देसी घी का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मेरे लड्डू नहीं बन पा रहे थे, इसमें देसी घी कम था। आप चाहें तो देसी घी की जगह जहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ वहाँ पर आप दूध का यूज़ कर सकते हैं। देखिए देसी घी ऐड करने के बाद मेरे जो लड्डू हैं वो अच्छे तरीके से बनने लगे हैं। मैं देसी घी का यूज़ इसलिए कर रही हूँ यहाँ पे ताकि मैं इसे कम से कम 15 दिन तक स्टोर करके रख सकूँ। अगर हम दूध का यूज़ करेंगे तो हम 4-5 दिन तक ही स्टोर कर पाएंगे और फ्रीज में स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि ये मौसम ठंडी चीज़ खाने का नहीं है। देखिए धीरे धीरे मेरे लड्डू बनने लगे हैं। हमारे जो साबूदाने के
लड्डू थे वो बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें सजाने के लिए बादाम का यूज किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।